खेती आर्डीनेंसा के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसानों के हक में जिथे हर वर्ग खड़ रहा है उत्थे ही सबका पुलिस अधिकारी भी इन्होंने हक में उतर आए हैं। इन्हों वालों रोस मार्च कढ़ा गया और एसडीएम विकास सीरा भी मंग पत्र दिता गया। इस मौके मीडिया नाल गलबात करते हुए सबका सुखदेव सिंह चीना आईपीएस अधिकारी ने दसा कि किसान जो देश का अन्नदाता है उस उत्ते जिहड़े केंद्र सरकार वालों काले कानून थोपे जा रहे हैं ये ठीक नहीं। केंद्र सरकार ने यह काले कानून वापस लैके उन्होंने मंगा मन लैनी चाहिए ने। इन ठंड में वह दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, असं उन्होंने नाल खड़े हाँ। वह जिस तरह की मदद के लिए कहेंगे उन्होंने टीम सबका पुलिस अधिकारियों की उन्होंने नाल है, असं पिछे नहीं हटांगे। उन्होंने कहा कि किसानों का यह संघर्ष सिर्फ किसानों का ही नहीं सगो सारे देश का संघर्ष है। इसके चलते इन्नी ठंड में दिल्ली बार्डर से अपने हकों लिए संघर्ष कर रहे जिसन देखद दुनिया भर के लोगों वालों किसानों का साथ दिता जा रहा है, पर केंद्र की मोदी सरकार के कन्नों उपर जू नहीं सक रही। या फिर मोदी सरकार कुछ कारपोरेट घराने खुश करने लिए यह तानाशाही रवैया अपना रही है। सुखदेव सिंह चीना आईपीएस रिटायर्ड प्रेजिडेंट पंजाब पुलिस पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन अमृतसर। साड़ी एसोसीएशन ने किसान संघर्ष जिहड़ा पिछले दो महीने पहला पंजाब चलिया हुण एक महीने तो दिल्ली दिया बॉर्डर ते जाके वो बैठे ने, उन्हां दी सपोर्ट विच उन्हां दी हर कम्यूनिटी उन्हां दी सपोर्ट कीती आ। साड़ी यह अमृतसर इकाई नहीं, साड़ी हर जिले दे विच एसोसीएशन दी इकाई जिहड़ी आ उस संघर्ष नूं हर पद्धर ते जिहड़े उन्हां नाल मोढा मार ला के सपोर्ट कर रही आ। ते अज वी असीं उसे दी सपोर्ट विच इत्थों मार्च करके डीसी साहब की रेजिडेंस से जाके उन्होंने मेमोरेंडम देवांगे। लगातार जिस रूप के भी जो संघर्ष योधे ने जिस रूप में साढ़े को संघर्ष जे कि किसी रूप के भी कि जाके आत्मदाह करना पे कि भुख हड़ताल करनी कि मरण वरत करना पे वह चढ़ के हिस्सा पावे। आवाज़ कॉम टीवी अमृतसर तो ललित शर्मा की रिपोर्ट।